तो फेस योर फियर्स मतलब आपको बहुत बार माइंड में ये थॉट आएगा कि यार छोड़ो क्या ही करना है नहीं होगा यार ऐसे ही दो चार दिन में दस दिन में थोड़ी हो जाएगा लेकिन आपको करना है आपको बार बार उस थॉट को अपोज करना है और वहां पे बैठना है और अपने फेयर को फेस करना है ताकि वो आपकी लिमिटेशन ना बने वो आपकी स्ट्रेंथ बने मेंस को लोगों ने बहुत बड़ा हवा बना रखा है इतना भी कुछ नहीं है जितना मैंने आपको बताया उसका सत्तर अस्सी परसेंट भी आप डेली कर लोगे ना तो आपको कोई नहीं रोक सकता मीन्स को क्लियर करने से ठीक है दिस वीडियो इज इन द फॉर्म ऑफ अ डिटेल्ड प्रेजेंटेशन सो दैट इंग्लिश व्यूअर्स कैन अंडरस्टैंड बाय जस्ट लुकिंग एट द पी एंड दे कैन मेक सेंस आउट ऑफ वॉट आई एम सेंगे नेम इज रवि शर्मा और इस वीडियो में हम बात करेंगे पहले तो मैं आपको कंग्रेचुलेशन्स बोल दूँ अगर आपका एस बी क्लर्क ट्वेंटी का प्रिलिम्स क्लियर हो गया है तो ठीक है तो एस बी आई क्लर्क मेंस की बात करेंगे कि नौ दस दिनों में क्या किया जा सकता है देखो एप्सल्यूट बेस्ट जैसी कोई चीज़ नहीं होती हमें बस ये देखना पड़ता है कि हमारे पास कितना टाइम बाकी है और हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज का बेस्ट यूज़ अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन आराम से हो सकता है ठीक है तो यही सब कुछ बातें करेंगे कि हमें क्या, क्या क्या बेस्ट क्या कर सकते हैं हम बेस्ट से बेस्ट कैसे हम मॉक दे सकते हैं फेयरलेस रह के कैसे हम सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे स्ट्रेटजी की कि इस सब्जेक्ट में हमें कैसे करना चाहिए क्वांट में रीजनिंग में क्या इंपॉर्टेंट है कैसे हम करंट अफेयर्स कवर करें छः महीने के कैसे हम इंग्लिश को टैकल करें और ये सब चीज़ों पे पर वीडियो रहेगी तो आपको कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है और ये एक प्रेजेंटेशन की फॉर्म में मैंने वीडियो बनाई है ठीक है तो बहुत अच्छी वीडियो है और शायद आपके लिए गेम चेंजिंग ये हो सकती है अगर आपने ये जो मैं बता रहा हूँ सब कुछ अगर ये सब कुछ अच्छे से कर लिया अगले आठ दस दिनों में जितने भी आपके पास दिन हैं और फियरलेस रह के और ख़ुद पे भरोसा रख के ये अपने आप को बार बार बोलो कि यस यू कैन और आप अगर लास्ट तक लड़ेंगे तो आप पक्का जीतेंगे ठीक है तो स्टार्ट करते हैं वीडियो बट बिफोर वी बिगिन गाइडली आपके लिए लाया है मेगा एग्जाम कार्निवल ऑफ़र जिसमें आपको गाइडली के हर प्रोडक्ट पे 50% ऑफ मिलेगा और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप आर के एस ट्वेल्व कूपन कोड लगाएंगे तो आपको 12% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा हर प्रोडक्ट पे यानी कि टोटल डिस्काउंट 62% तो इस डिस्काउंट 50% डिस्काउंट के बाद इसका प्राइस क्या हो गया है ग्रैंड बंडल पी डी एफ कोर्स जिसमें प्रेलिम्स प्लस मेन्स आएगा उसमें फ़ाइव नाइन्टी नाइन सिर्फ प्रेलिम्स का लेना है तो थ्री नाइन्टी नाइन अगर सिर्फ मेन्स का लेना है तो फोर नाइन्टी नाइन और सबसे अच्छा ये प्लेटिनम पैकेज जिसमें थ्री थाउजेंड प्लस मॉक टेस्ट मिलते हैं आपको बैंक एस एस सी रेलवे और भी जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके और सिर्फ टू नाइन्टी नाइन में आपको ये सब मिलेगा उस पर भी अगर आप आर के एस ट्वेल्व लगाओगे तो एक्स्ट्रा ट्वेल्व परसेंट ऑफ मिल जाएगा तो इट इज़ अ ग्रेट टाइम टू ग्रैब दीज ऑफर्स विदाउट एनी फर्दर डिले लेट स्टार्ट द वीडियो एंड ऑल द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन ठीक है तो पहला सवाल है कि हाउ मैनी मॉक्स बिफोर मीन्स मीन्स से पहले कम से कम आठ या दस मॉक आपको देने हैं आठ से दस मॉक ठीक है इस मॉक्स में आप करोगे क्या पाँच दे दो पहले वीक में और चार दे दो दूसरे वीक में बट 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 माई फ्रेंड एनालाइज एवरी मॉक प्रोपर्ली सो दैट यू डोंट मेक द सेम मिस्टेक इन योर एस बी आई क्लर्क मीन्स देखो मॉक देना इज इम्पॉर्टेंट बट उससे भी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो चीज़ है कि आप एनालाइज़ करें एनालाइज़ करने का सिंपल एक लाइन में मतलब है कि जो गलतियां आप यहां कर रहे हैं वो वहां ना करें चाहे वो ज़्यादा टाइम लेने वाली गलती हो चाहे वो क्वेश्चन ना करने वाली गलती हो तो इन इन गलतियों को सुधारने के लिए मॉक्स होते हैं और वो मॉक आपको एनालाइज करके ही पता चलेंगे तो एनालाइज इज़ अ क्वाइट फैंसी वर्ड बस आप उन क्वेश्चन को करो ताकि आपको दोबारा अगर वो क्वेश्चन दिखे तो गलत ना हो उस टाइप का कोई भी एंड वन मोर एडवाइस गिव अ मॉक लाइक यू आर एक्चुअली सिटिंग इन एन एग्जाम ठीक है जैसे आप एग्जाम में बैठे हो ना वैसे ही देना mock. मॉक ठीक है तो ये समझ आ गया आपको कि आठ से दस मॉक देना इंपॉर्टेंट है अब कोई बच्चे पूछते हैं कि सर सबमिट मॉक करके फिर सॉल्व करें देखो मेरे हिसाब से तो ये वेरी 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 बैड आइडिया एब्सोल्युटली ए बैड आइडिया वाई बिकॉज बाय सबमिटिंग एंड सॉल्विंग यू विल नेवर लर्न द आर्ट ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इन द प्रेर सिचुएशन विच प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एक्चुअल एग्जाम मेन्स इज ऑल अबाउट माइंड सेट एंड हैंडलिंग दैट प्रेशर इन दैट टाइम फ्रेम इन दैट स्टिपुलेटेड टाइम यू ऑल कैन सॉल्व क्वेश्चन ऑफ एनी लेवल बट यू नीड टाइम बट देर इज लिमिटेड टाइम सो इन दैट लिमिटेड टाइम हाउ यू कैन सॉल्व क्वेश्चन तो वो कैसे आप सॉल्व कर सकते हो कैसे वो इंडियोरेंस ला सकते हो स्टेमिना ला सकते हो दो तीन घंटे एक जगह बैठने का देखो पेपर में सॉल्व करना और ऐसे सबमिट करके सॉल्व करने में बहुत फर्क है तो वो आपको अभी जो आर्ट सीखनी है वो है प्रेशर सिचुएशन वाली आर्ट इसलिए आप सबमिट करके मत दो मेरे भाई आप सिर्फ दो गिवन टाइम फ्रेम में विद अटमोस्ट सीरियसनेस मॉक लाइक यू आर एक्चुअली सिटिंग इन एग्जाम ठीक है तो उस इंड्योरेंस के लिए उस प्रेशर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए स्टेमिना बढ़ाने के लिए उन हार्ड क्वेश्चन से लड़ने के लिए और फियरलेस रहने के लिए आप सबमिट करके नहीं बल्कि एक टाइम फ्रेम में जैसे वो तीन ढाई घंटे का है जितना वो टाइम देते हैं उतना ही दो और कोशिश करो एक ही सिटिंग में दो ठीक है थर्ड चीज़ है कि फेयरलेसनेस वाइल अटैम्प्टिंग अ मॉक प्लान योर मॉक बिफोर यू गिव इट देखो फियरलेसनेस तब आती है जब आपको हड़बड़ी ना मचे हड़बड़ी कब नहीं मचेगी जब आप प्लान करोगे किसी भी चीज़ को देखो एक लाइन में बार बार बोलता हूँ कि एन एवरेज पर्सन विद अ प्लान कैन बीट अ जीनियस विदाउट अ प्लान सो यू मस्ट हैव अ प्लान यू शुड हैव अ प्लान तो वह प्लान अगर आपके पास है और उस प्लान को आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं मॉक में कोई प्लान मतलब प्लान का मतलब ये होता है कि मैं इस सीक्वेंस से जाऊँगा ठीक है ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो मैं ये करूँगा और डरूंगा नहीं और जो मेरा प्लान है उसको इम्प्लीमेंट करूँगा तो उसको अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे फियरलेस रह के तो आपकी परफॉर्मेंस जो है वो आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से ही होगी अब कई बच्चे कहते हैं मेहनत बहुत की पर नंबर नहीं आते वो सिर्फ यही रीज़न होता है कि कैपेबिलिटी और परफॉर्मेंस मैच नहीं कर पा रही मैच इसलिए नहीं कर पा रही क्योंकि तुम उसमें प्रेशर और फियर का फैक्टर डाल दे रहे हो अगर आप फियरलेस रहोगे अपनी प्रेपरेशन पे भरोसा रखोगे अपने ऊपर भरोसा रखोगे तो आपकी परफॉर्मेंस उसी हिसाब से आएगी जो आप डिजर्व करते हो नहीं तो कम आएगी सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी फियरलेस एंड टू बी एफर्टफुल ऑडेशियस वाइल यू अटैम्प्ट एनी मॉक और एंड वेन यू सेट फॉर एन एक्चुअल एग्जाम तब भी आपको डरना बिल्कुल नहीं है वहाँ पे भी आराम से ठंडे रह के प्लान इम्प्लीमेंट करना है ठीक है तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलूँगा कि देखो एक लाइन मैंने यहाँ पे क्या बोली यहाँ पे मैंने बोली कि गिव अ मॉक लाइक यू आर एक्चुअली सिटिंग इन एन एग्जाम अब सुनो मेरी बात इफ़ यू गिव अ मॉक लाइक यू आर एक्चुअली सिटिंग इन एन एग्जाम इन द एक्चुअल एग्जाम यू विल फील लाइक इट इज़ जस्ट अनदर मॉक अब जिसको समझ आ गई तो आ गई ठीक है नेक्स्ट है करंट अफेयर्स मिस्ट्री ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपकी सिलेक्शन में अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया तो आपका सिलेक्शन होना ही होना है ठीक है हो होना in the sense, तो ही होना इन द सेंस ये आपका 50 परसेंट मार्क्स तो यही ला देगा जितने टोटल चाहिए 50 मार्क्स का है 90 100 110 से ज़्यादा कट ऑफ जा नहीं सकती कभी भी एस क्लर्क में की तो आपको क्या करना है करंट अफेयर्स को इतना अच्छा करना है कि कम से कम आपके 40 नंबर आ जाए ठीक है अगर आप वो हैं जिन्होंने पहले कर रखा है तब तो आपके लिए बहुत बड़ा चांस है ये है एस बी आई क्लर्क मीन्स क्लियर करने का ठीक है और एस बी आई में जाके एक कुर्सी पे बैठने का क्लैरिकल की रिवाइज फ्रॉम द सेम सोर्स अगेन एंड अगेन अगर आप एक सीरियस बहुत ही सीरियस एस्पिरेंट थे जिसको पता था प्री भी क्लियर होगा और नहीं भी पता था फिर भी वो कर रहा था करंट अफेयर्स नोट्स भी बना रहा था वीडियोस भी देख रहा था रिवाइज भी कर रहा था तो उसको सिर्फ नोट्स से रिवाइज़ करना है या फिर जहाँ से भी उसने करा है करा है उसको रिवाइज करना है कम से कम दो तीन बार तो आपके लिए तो सिंपल है ठीक है इफ़ यू हैवन डन एनीथिंग येट अगर आपने अभी तक कुछ नहीं किया है तो भी पॉसिबल है फिर मैं वही बात बोलूँगा कि बेस्ट करना ही पॉसिबल नहीं है लास्ट तक लड़ना पॉसिबल है हारा वही जो लड़ा नहीं ठीक है तो आपके पास अभी भी मौका है वैसे भी अगर आप नहीं करोगे तो बिल्कुल ही सिलेक्शन नहीं होना बट कर लोगे तो आपका सिलेक्शन हो सकता है ठीक है आपने क्या करना है कंपाइल्ड वीकली मंथली वीडियोस देख सकते हैं जैसे स्टडी आई क्यू या जीके टुडे की और या अगर आपको लग रहा है कि वीडियोस से मेरे को याद नहीं रहता तो अगर आपको लगता है पीडीएफ से याद रहेगा वैसे मेरे को तो वीडियोस से रहता था बट अगर आप पीडीएफ्स पढ़ना चाहते हैं तो आप पी भी पढ़ सकते हैं बट आपको करना पता क्या है अब एक मंथ का सीए कम से कम दो दिन में एक मंथ का सीए तो कवर करना ही है ठीक है आप आठ दिन में चार दिन का कर लो चार महीनों का कर लो और उन्हीं चार महीनों को रिवाइज करके जा सकते हैं अगर आपके पास बहुत कम टाइम है और आपने कुछ भी नहीं किया है अगर किया है या थोड़ा भी किया है या नहीं भी किया तो अगर आप छः मंथ्स का कर सकते हैं तो वो तो बेस्ट है ठीक है लेकिन आपको करना है क्या एक मंथ के सी ए दो दिन में करने करने कैसे है? ऐसे या तो कंपाइल्ड वीडियोज़ देखो या पी देखो अगर मंथ अगर आपको वीकली मिल रही है तो दो वीक्स की देखनी है एक दिन में ठीक है अगले दिन फिर अगले दो वीक्स की देखनी है और पहले वाले दो वीक्स की थोड़ी स्पीड फास्ट करके देख लेना तो हर मंथ का आपको दो दिन में कवर करना ही करना है जैसे मर्जी करो बट होना चाहिए यही तरीका है ठीक है और लास्ट थ्री मंथ्स आर वेरी वेरी वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है जो लास्ट थ्री मंथ्स है यानी कि जुलाई जून और मई मई जून जुलाई बचपन में होती थी गर्मियों की छुट्टियां लेकिन अभी ये इस हिसाब से इंपॉर्टेंट है कि आपको एस बी आई क्लर्क मेन्स क्लियर करना है ठीक है एस बी आई क्लर्क मेन्स करने के लिए लास्ट तीन मंथ से मैं बता रहा हूँ आपको सेवेंटी परसेंट पेपर तो इसी से आता है सिक्सटी सेवेंटी परसेंट ठीक है इसके बाद चाहे आपने कर रखा हो चाहे नहीं कर रखा हो वीकली क्विजेस जरूर दे देना अफेयर्स क्लाउड्स पर बहुत अच्छी होती है अफेयर्स क्लाउड पर ठीक है तो वो वीकली को जरूर दे देना अगर मंथली भी मिलती है वो भी दे देना और लास्ट में अगर टाइम बचे तो जो पी होती है कंसॉलीडेटेड आती है गाइडली की भी ग्रेडअप की भी ऑलीबोर्ड की भी अड्डा की भी तो इन चारों में से ग्रेडअप वाली मुझे बहुत अच्छी लगती है और अड्डा और गाइडली की भी सही है तो ये जो कंसॉलीडेटेड पी जो आती है उसको अगर आप रिवाइज़ कर सकते हैं या एक आधी बार ऊपर ऊपर से भी पढ़ सकते हैं तो पढ़ लेना ठीक है तो करंट अफेयर्स में यही बेस्ट कर सकते हैं आप बोलोगे कि सर आपने तो बोल दिया अब ये होगा कैसे होगा तभी जब तुम बैठोगे ठीक है रोज़ दो चार पाँच घंटे क्यों नहीं होगा सब कुछ होगा भाई अगर आप आप फियरलेस रह के बैठ जाओगे तो चैलेंज लो और बैठ जाओ इसके बाद है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की प्रेपरेशन सबसे मोर फोकस ऑन डाटा इंटरप्रिटेशन होना चाहिए किसमें एप्टीट्यूड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में तो डीआई बहुत ज़्यादा आएगी आपको ठीक है और ये क्लर्क में है ये बात याद रखना इसको भुलाना मत ये क्लर्क मेंस है ये पीओ मेंस में नहीं है इसमें डुएबल डी आईज सब आपसे आराम से हो जाएगी अगर आप थोड़ा भी जानते हैं कि डाटा को इंटरप्रेट कैसे करते हैं ठीक है तो करना क्या क्या प्रेपरेशन में क्या होना चाहिए ऑल डी आई सेट्स फ्रॉम द मॉक्स मॉक्स जो भी आप लगा रहे हैं उसके सारे डी आई सेट्स होने चाहिए आपको ठीक है इसके बाद जो प्रीवियस ईयर मेमरी बेस्ड मेन्स डी आई सेट्स है नॉट ओनली अबाउट एस बी आई क्लर्क आप एस बी आई क्लर्क एस बी आई पी ओ आई बी पी एस पी ओ आई बी पी एस क्लर्क उनके भी मेन्स के आप डी आई सेट्स लगा सकते हैं प्रीवियस ईयर के ठीक है दो तीन सालों के करो तो एक दो दिन के तो क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे उसके बाद छः डी आईज एवरी सिंगल डे आपको करनी है ट्रेडिशनल दो जो रेशियो परसेंटेज ये वाली होती है ना दो तो वो करनी है दो अरिथमेटिक करनी, करनी है और दो कैशलेट करनी है और ठीक ठाक लेवल हो उसका मतलब बहुत इजी भी नहीं बहुत हार्ड भी नहीं तो छः डी करनी है आप इजी वाली भी कर सकते हैं एक एक और एक एक मॉडरेट वाली भी कर सकते हैं ठीक है थीकलगे? तो छः डी आपको करनी है एवरी सिंगल डे और मेमोरी बेस्ड वाले सवाल भी आपको कवर करने हैं मॉक्स वाले भी करने हैं तो ये यहाँ से इतना डी सेट आपको बहुत है ठीक है अब ये कहाँ से करने हैं आप जो मैंने गाइडली की बताई आपको कि पीडीएफ कोर्स होता है वो भी कर सकते हैं नहीं तो फ्री भी गूगल पे बहुत पड़ा है वो भी कर सकते हैं कहीं से भी आप छः डी सेट करने हैं रोज इसके <coughs> इसके बाद है कि एक और चीज़ आपको जो डेली करनी है वो है कि दस दस सवाल थोड़े से हाई लेवल के यानी कि लेवल टू वाले फ्राम टू डिफरेंट अरिथमेटिक टॉपिक्स रोज़ आप दस दस सवाल अगर दो अलग अलग टॉपिक्स से करोगे तो आपके अरिथमेटिक भी पूरी रिवाइज हो जाएगी और वहाँ पर डुएबल क्वेश्चन आएंगे अरिथमेटिक के क्योंकि ये क्लर्क मेन्स है ये पी ओ मेन्स नहीं है ठीक है और इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपकी स्पीड को एक्यूरेटसी को मैंटेन रखेगा वो चीज़ है टेबल स्कोयर क्यूब्स और परसेंटेज एंड परसेंटेज टू फ्रैक्शन डेली ये जो चार चीज़ें ना इनको यार अपने टिप्स पे रखा करो मैं बार बार बोलता हूँ और मैं बार बार बोलता हूँ मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है अगर ये आप करोगे तो आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पेपर बहुत अच्छा जाएगा अगर ये आप डेली कर लोगे नेक्स्ट है रीजनिंग प्रेपरेशन ऑल क्वेश्चन ऑफ मॉक्स ये तो मैं हर जगह लिख रहा हूँ ऑल कोडिड वर्जन क्वेश्चन फ्राम प्रीवियस ईयर मेमरी बेस्ड पेपर देखो एक तो कोडिड वर्जन कर लेना और एक दो पजल्स जो मेमरी बेस्ड वालों से ही कर लेना ठीक है और जो कोडेड वर्जन वाले सारे क्वेश्चन है क्योंकि वहाँ ऐसे ही आते हैं कोडिंग डिकोडिंग कोडेड आ जाएगी डायरेक्शन सेंस कोडिंग आ जाएगा ब्लड रिलेशन कोडेड आ जाता है बस यही चार पांच चीज़ें होती है जो कि पेपर में आनी है और इतनी मुश्किल नहीं आएगी सिलोजिजम भी आएगा आपको मेन्स में भी थोड़ा सा लेवल उल्टा सीधा हो सकता है बट सिलॉजिजम में क्या ही लेवल बढ़ाएंगे ठीक है तो डरना नहीं आपको वहाँ पर मार्क्स एक एक करके बटोर के आप कर लोगे यार अगर आप अगर आप हार नहीं मानोगे ना अगले चौदह दिन चौदह दिन इज़ अ बिग नंबर बहुत होते हैं चौदह दिन ठीक है दो हफ्ते में हो सकता है वेरी वेरी पॉसिबल दो डिकी कोडिंग के सेट और दो कोडेड डायरेक्शन के सेट्स क्योंकि ये दोनों शॉर्ट शॉर्ट आने और दस क्रिटिकल रीजनिंग जो एजम्पन वगैरह वाले क्वेश्चन होते हैं ना वो आपको दस क्वेश्चन डेली करने हैं और करने में देखो अगर आपको आपको लग रहा है कि आपकी एक्यूरेसी ठीक है तब आप पेपर में उनको अटैम्प्ट कर लेना लेकिन अगर यहाँ पे आप ट्रैक कर लेना अपनी एक्यूरेसी अगर एक्यूरेसी बहुत अच्छी नहीं है तो आप क्रिटिकल रीजनिंग को थोड़ा सा अवॉइड करना मतलब आप पढ़ना ऐसे नहीं कि आप छोड़ ही दो पढ़ना वहाँ पे भी अगर आपको लगता है कि हाँ हो सकता है और क्रिटिकल रीजनिंग में देखो एलिमिनेशन टेक्निक लगानी इंपॉर्टेंट है आप ये देखो कि कौन सा नहीं हो सकता अगर तीन चार आपको मिल गए नहीं हो सकता तो पाँचवें पे टिक लगा देना अगर आपको अब ये ढूंढोगे कि कौन सा हो सकता है फिर मुश्किल होती है क्रिटिकल रीजनिंग में ठीक है तो ये रीजनिंग की प्रेपरेशन का प्लान है ये करोगे तो बहुत अच्छा आपका पेपर होगा इसके बाद इंग्लिश की प्रेपरेशन इंग्लिश की प्रेपरेशन को मैं हमेशा कहता हूँ कीप इट सिंपल एंड कीप योर पेशेंस अलाइव थोड़ा सा बी पेशेंट ऑल क्वेश्चन ऑफ मॉक्स करना है एक तो ठीक है इसके बाद रीडिंग फोर्टी फाइव मिनट्स एवरी सिंगल डे उसके बाद दो तीन आर डेली एनी लेवल रीडिंग में आप थोड़ा सा कॉम्प्रहेंडिंग एबिलिटी प्लस स्पीड दोनों पे फोकस करना क्योंकि अब फाइनल ऑब्स्टेकल है ठीक है और अगर आपका प्री क्लियर हुआ है तो मतलब आपको कॉम्प्रीहेंड तो हो रहा है थोड़ा सा स्पीड से रीडिंग करने की कोशिश करना और समझते हुए और लास्ट है रिवाइज द मिस्टेक्स अब ये मैं कौन सी मिस्टेक्स की बात कर रहा हूँ देखो जो आपके मॉक्स में मिस्टेक होती है ना उनको आपको लिख लेना है कॉपी में और उनको रिवाइज़ करना है कि मैंने वो गलती क्यों की थी वट वॉज माई इंट्यूशन वट वॉज माई लॉजिक एंड मैं ये एग्ज़ाम में सही लॉजिक लगाऊंगा तो ये आपकी इंग्लिश प्रेपरेशन है तो ये सब बातें कर ली हमने ठीक है अब आपको इनको एक कॉपी में नोट करके अच्छे से पढ़ाई करनी है फाइनल मैसेज मैं बता दूँ आपको एक वर्ड होता है फीयर फीयर देखो आपके माइंड में ज़्यादा होता है और असली लाइफ में कम होता है अगर आप फीयर्स के सामने जाओगे मतलब इफ़ यू फेस योर फीयर्स फीयर्स विल डिसअपियर सो द फीयर्स दैट वी डोंट फेस बिकम our लिमिटेशन और जो फीयर्स हम फेस नहीं करते मेन्स को लोगों ने बहुत बड़ा हवा बना रखा है इतना भी कुछ नहीं है जितना मैंने आपको बताया उसका सत्तर अस्सी परसेंट भी आप डेली कर लोगे ना तो आपको कोई नहीं रोक सकता मीन्स को क्लियर करने से ठीक है तो फेस योर फीयर्स मतलब आपको बहुत बार माइंड में ये थाट आएगा कि यार छोड़ो क्या ही करना है नहीं होगा यार मीन्स ऐसे ही दो चार दिन में दस दिन में थोड़ी हो जाएगा लेकिन आपको करना है आपको बार बार उस थॉट को अपोज करना है और वहाँ पे बैठना है और अपने फियर्स को फेस करना है ताकि वो आपकी लिमिटेशन ना बने वो आपकी स्ट्रेंथ बने ठीक है इन चीज़ों को इतना करो कि यार आपको डर ना लगे मैरी कॉम मूवी में एक डायलॉग था कि किसी को इतना भी मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए तो वो आप मेन्स को इतना प्यार करो कि डर ही खत्म हो जाए आपका ठीक है सो फेस योर फियर्स एंड आई विश यू ऑल द लक ठीक है So, if you like the content, you can give me a thumbs up. You can subscribe the channel if you want. There is no compulsion. And thank you very much, and all the best for SBI clerk means.